यूपी में वोट के लिए अखिलेश के स्वामी ने उत्तराखंड के लोगों की आस्था पर की चोट, स्वामी का उत्तराखंड में शुरू हुआ विरोध। अखिलेश ने स्वामी के सोच को बढ़ावा देकर उत्तराखंड के लोगों से बैर ले ली, अब स्वामी की खैर नहीं। जो लगाम यूपी में स्वामी पर योगी नहीं लगा पाए वो लगाम उत्तराखंड में धामी लगाएंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगता है हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने में पीएचडी हासिल कर ली है। सियासत में 1-to-1 की फाइट में सीएम योगी के सामने नहीं चली तो अब योगी से बदला लेने के फिराक में स्वामी इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर ही चोट करना शुरू कर दिया। पहले तुलसीदास की ओर से रामचरितमानस पर सवाल उठाया, एक से बढ़कर एक विवादित बयान दिया। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य की पीठ ठोकते गए और वो बड़ बोलेपन की जद में आकर विवादितों से भी ज्यादा विवादित देखते रह गए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की हिमाकत देखिए, भक्त पर अटैक करने से आगे बढ़कर उन भक्तों के आराध्य भगवान विष्णु पर अपनी हठ धर्मी से अटैक करने लगे, भगवान बद्री विशाल की महिमा पर चोट करने लगे, सवाल उठाने की हिमाकत कर दी। दरअसल सपा के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया, बयान में कहा वाराणसी में ज्ञान वापी पुरातत्व विभाग से जांच कराई जा रही है तो सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच कराई जानी चाहिए। उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम मंदिर 8वीं शताब्दी में मठ था जिसके बाद उत्तराखंड में उनका विरोध शुरू हो गया। चार धाम में शामिल बद्रीनाथ धाम का सनातन धर्म में विशेष महत्व है लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगता है सनातन धर्म के विश्वास के प्रतीक पर चोट करने का मन बना लिया। वो मौका ढूंढते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, बेसिर पैर की अपनी राय रख देते हैं लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से फंस गए। उत्तराखंड में सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध शुरू हो गया। उत्तराखंड में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध जगह जगह हो रहा है। लोगों के साथ साथ सीएम धामी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य की सोच पर अपने तरीके से चोट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं, वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। सीएम धामी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तरीके से क्लास ले ली, जो असल ज्ञान है उससे उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को वाकिफ कराया। अब ऐसे में सवाल ये है, अपने बड़ बोलेपन के लिए मशहूर स्वामी प्रसाद मौर्य कब हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाना बंद करेंगे।